हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से मेरी नई वीडियो पर। और आज मैं हूँ इस समय हनुमान चट्टी में, जो है बद्रीनाथ से 12 किलोमीटर पहले और जोशीमठ से 34 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ मार्ग पर। हनुमान चट्टी एक मंदिर है जो श्री हनुमान जी को समर्पित है। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 286 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गढ़वाल हिमालय में हनुमान चट्टी के एक ही नाम के दो स्थान हैं, एक है यमुनोत्री धाम में और दूसरा यह है बद्रीनाथ जी के पास। तो चलिए बात करते हैं मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। भीम अपनी ताकत और शक्ति के लिए प्रसिद्ध पांडव भाइयों में से एक थे। कहा जाता है एक दिन जब भीम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़े वानर से सामना करना पड़ा। भीम के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए उनकी पूंछ मार्ग में फैली हुई थी। भीम ने पूंछ हटाने के लिए बूढ़े वानर से कई बार अनुरोध किया, लेकिन वानर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह बहुत बूढ़ा है और वह बहुत थका हुआ भी है। और भीम इस कारण क्रोधित हो गया और तब भीम ने खुद ही पूंछ हिलाना शुरू किया। जब कई प्रयासों के बाद भी पूंछ नहीं हिली तो भीम को आश्चर्य हुआ और महसूस किया कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है। तो फिर भीम ने उनसे विनम्रतापूर्वक अपनी असली पहचान प्रकट करने का अनुरोध किया। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें अपना मूल रूप दिखाया, यही वो जगह है। और इस तरह भीम का घमंड चकनाचूर हुआ और उन्होंने श्री हनुमान जी से क्षमा मांगी, इसलिए इस जगह का नाम हनुमान चट्टी पड़ा। और ये जो सामने दिख रहा है यही है हनुमान मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, छोटा सा। और बद्रीनाथ धाम जाने वाले बहुत से यात्री हनुमान जी की पूजा करके ही आगे जाते हैं। जय बजरंगबली, हनुमान जी सबकी यात्रा सफल करे। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।